तो वो लोग जो किसान है वो अपना जमा नहीं कर पा रहे और कई मतलब 40% एनपीए हो गया है सर, तो काफी बुरी स्थिति किसानों के सामने। किसान एनपीए हो गया, वो बैंक से एनपीए हो गए क्योंकि वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, बैंक ने उनको एनपीए कर दिया है। कई किसानों को मतलब 40% किसान जो है जो एग्रीकल्चर लोन लिए। इस पर विभाग काम कर रहा है, उस पर जल्द ही निर्णय। ये एक्चुअली आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं 10 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की थी, आपसे क्या इस तरह का कोई शेड्यूल है कि आगे आने वाले समय में? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है और हम भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी राज्य के स्थिति से अवगत हों और अगर वो करेक्ट करते हैं तो पूरी स्थिति बताई जाएगी। सर, के राज्य के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पैसे के अभाव झेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल का मामला हो, तीरंदाजी का हो, तो सर आपने भी कई चिंता जाहिर की थी, कई लोगों को आर्थिक मदद भी दिलवाया, तो क्यों सब खिलाड़ियों को मदद मिल जाए इस तरह का? इस पर नीति लगभग तैयार हो चुकी है और खिलाड़ियों के लिए बेहतर कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं, बहुत जल्द इसको धरातल पे उतारा जाएगा। सर, ये झारखंड संक्रामक अध्यादेश का क्या हुआ सर? राजभवन तक गया, वहाँ स्टेटस क्या है? झारखंड संक्रामक जो अध्यादेश था उसका स्टेटस क्या है सर? क्या वो कब आने वाला है? राज्यपाल तक पहुँचा था, क्या है ये? सरकारी प्रक्रिया है ये सारी, आपको समय अवधि के पर ही इसकी ऑफिशियली सूचना दी जाएगी।